सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग में। जितने मुझसे बड़े सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और जितने मुझसे छोटे सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है तरुण, और होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। आप लोगों का आधा दिन तो अच्छा जाए ही, और मतलब खुश है यार सब कुछ। तो गाइस, मैंने सुना है कि पौड़ी में लगा है मेला, तो बस कुछ नहीं, उस मेले को देखने के लिए आज मैं जाता थोड़ा पौड़ी बाजार। अभी तो दिन के बज रहे हैं 2:30, और मैं पहले आपको दिखाऊंगा पौड़ी मार्केट, उसके बाद दिन के 3 बज रहे फिलहाल, तो तब उसके बाद तब आज मेले में भी दिखेंगे। फिलहाल धूप, फिलहाल अगर मैं धूप की बात करूँ तो धूप तो है काफ़ी तगड़ी और चुभ रही है बॉडी पे, लेकिन ये दूर दूर तक कोहरा लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा जलन हो रही है फिर धूप से ना। सुरजू महाराज, ये रहे हमारे सुरजू महाराज। कोई बात नहीं, इस प्रकार रेडी हूँ आज मैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि हमारे गांव में शादियां हैं, 3 शादियां इस बार अप्रैल में ही, तो कुछ कुछ जगह में मतलब अभी शायद अरसा वगैरह बन रहे हैं, सुनने में आया मुझे। तो कैसे एक गढ़वाली पकवान होता है, मतलब उत्तराखंड में बनाया जाता है, उसको अरसा कहते हैं, तो वो बन रहे आज गांव में। फिलहाल तो मैं आगे बढ़ते हुए मार्केट की ओर, और अभी गांव के यात्री सेट में पहुंच चुका हूँ। ये रहा मेरे पीछे। पहले हम वहाँ पे अपनी बाइक वगैरह पार्क करते थे, स्कूटी या गाड़ी जो भी है, लेकिन शायद अब यहाँ पे बैठक बनेगा शायद शादी के लिए, तो उसके लिए गैप दे रखा और काफ़ी चौड़ी कर दी है रोड। अब आपको सतपुली मार्केट में मिलता हूँ मैं। तो गाजी रहा सतपुली मार्केट हमारा। जब हमारे भी नया नदी में कचरा कुचरा आने लग गया है, नदी बेकार होने लग गई। अब पैनल का काम चल रहा है, देख सकते हैं ना आप लोग, काम तो अच्छे चल रहा है, सोलर पैनल का काम चल रहा है। ज्वालपति का मंदिर,
तो गाइस ये जो ग्राम पैडुल है यानी पैडुल गांव कितना खूबसूरत जगह में बसा हुआ है ना, और यहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा कर रखी है। देखो वहाँ से लेके पूरा ये हरा भरा एकदम अच्छा दिख रहा है ये सब देख करके, खेत वगैरह बहुत अच्छे से यहाँ पे, मतलब इस गांव के लोग इसका मतलब खेत वगैरह ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। वहाँ पे देखो नदी भी बह रही है ना थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको कैप्चर कर लेता हूँ आप लोग के लिए। बस गए थे लगभग 10 किलोमीटर बचा हुआ पौड़ी हजारों को भी चलिए मेरे साथ। गाइस वो दिख रहा है बुआखाल मार्केट, मार्केट तो नहीं है बुआखाल, थोड़ा सा वैसे ही छोटा सा गांव सा, उससे आगे फिर पौड़ी वहां से दिखने लग जाता है। गाइस ये है बुआखाल, मैं भी बुआखाल में हूँ। यहाँ सामने से हिमालय पर्वत दिखता है क्षेत्र, लेकिन दिख नहीं रहे पता नहीं क्यों। चलो चलते हैं आगे देखते हैं दिखते हैं कि नहीं, चाहिए तो वैसे। ओहो क्या स्क्रीन है भाई, इतना ज़्यादा कोहरा, इतना ज़्यादा कोहरा हिमालय पर्वत तो दूर, गांव भी नहीं दिख रहे आसपास के, और यहाँ तक कि पौड़ी भी नहीं दिख रहा है यहाँ से, इतना कोहरा है गाइस। पुरान स्केप वो है फूल का पेड़, मैं तोड़ कैसे इसको मुझे समझ नहीं आ रहा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मेला वाला सीन मैं कल दिखाऊंगा मेला वाले ब्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, जो लोग चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में अपने फैमिली में, और बस मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय उत्तराखंड।